हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम फिर से दोबारा अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक नई फिशर्स को, जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बहुत पहली बार आप शायद ये फिशर्स को जो है लाइव अनबॉक्सिंग देख रहे होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल फिशेस नहीं है। ये फिशेस जो है एक्सोलॉट फिश है, तो वो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। क्योंकि ये एक्सोलॉट फिश है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही बहुत थोड़ा रॉन्ग होता है, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है कि कैसे प्रोनाउंस करो। एक्सोलॉट फिश कहते हैं इसको, और ये बहुत डिफरेंस होती है नॉर्मल फिशेज़ की तरह होती है। उसकी केयर भी अलग होती है, बहुत कुछ अलग होता है, और देखने के लिए भी बहुत यूनिक मिलेगी। और वो फिशेज़ जो है मैंने आज मंगवाया है। हालांकि मेरे लिए नहीं मंगवाया है, तो पहले सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा किस तरह ये फिशेस आई है, कितने प्राइस में है, कहाँ मिलेगी, कितने में मिलेगी, और आप लेना चाहते हैं तो किस तरह लेना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल सब डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा इस फिशेस इस अनबॉक्सिंग में। तो चलिए सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है, ये अनबॉक्सिंग हो चुका है। तो ये एक्सल, तो आपको मैं करीब से दिखाऊंगा। तो देखिए, ये इस तरह की बॉक्सिंग में आई है, एक्सलॉट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सल है। तो ये फीचर्स जो है एक्सोलॉट फिश, ये 5,000 रुपये में मिलती है आपको। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, इंडिया के अंदर आपको अगर मंगवाना चाहते हो, तो आप कर्नाटक अक्वेरियम बैंगलोर को, जो मैंने यहाँ पर लिया था, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, तो उनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो पर सिंगल जो है, सिंगल भी आप ले सकते हो, पेयर भी ले सकते हो। 5,000 रुपीज़ का सिंगल है, 5,000 का सिंगल मिलता है, 10,000 रुपये का पेयर है। तो इस तरह आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत यूनिक फिश होती है एक्सोलॉट फिश है, जो बहुत ही एक अलग टाइप की होती है। इन फिशेस को जो है बहुत कोल्ड वाटर बहुत पसंद है, वार्म वाटर में रखोगे तो मर जाती है, और ज़्यादा पानी के अंदर वेव पसंद नहीं है, पानी का जो है वो बहाव ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसका थोड़ा अलग सेटअप होता है, तो आगे मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने नहीं मंगवाया है, तो मेरे एक कज़िन था जो, उसको फिशेस चाहिए था। वो बहुत दिन से मुझे बोल रहा था कि एक्सोलॉट कहाँ पर मिलेगी बेंगलुरु में। तकरीबन 3 महीने से वो वेट कर रहा था, उसको नहीं मिल रहा था। तो मुझे बोल रहा था कि कहीं से अगर अवेलेबल हो तो करा दो यार, मैं आपको पैसा दे देता हूँ करके बोला था। तो मैंने उसके लिए मंगवाया है। तो मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग करके आपको वीडियो बनाऊँ, ताकि आप भी इस वीडियो को देख कर मंगवा सकते हो, आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कहाँ से मिलता है, कितने मिलता है। और ये मैं आपको लाइव बताऊँगा, क्योंकि ये अभी मैं फिशेस जो है वो क्वारंटाइन करने वाला हूँ। अलग एक टैंक है मेरे पास, खाली टैंक पड़ी है, उसमें क्वारंटाइन 2 दिन करके बाद में उसको दूंगा। तो क्वारंटाइन करके मैं दिखाऊंगा किस तरह फिशेस लगती है। तो ये आप चाहे तो, बस यही आज का टॉपिक है कि आप ऑक्सलेट फिश आपको चाहिए, इस तरह की फिशेस आप भी मंगाना चाहते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है, कर्नाटक के बैंगलोर के अंदर जो जयनगर 5th फेस में है, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। घर में बैठे ही आपको मंगवा सकते हो, ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवर करा देंगे। होम डिलीवरी तो नहीं होगी, बस आपके नियरेस्ट स्टेशन में या नियरेस्ट जो बस स्टॉप होते हैं वहाँ पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कीजिए, ज़रूर आपको मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लुक लाइक डायनासोर की तरह होती है, और इसके 2 पैर होते हैं। तो देखिए, 4 पैर होते हैं इसके, लुक लाइक डायनासोर की तरह होती है, छिपकली की तरह भी होती है। अगर ये पैर इसके कट हो जाए तब भी ये ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं। तो और एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली फ़िश नहीं है, ये एक्सोलॉट है, एम्फीबियन, या जैसा कि सलामेंडर कंपनी की, सलामेंडर फैमिली से बिलोंग करती है, फ्रॉक की तरह होती है। ऐसे मैं फ़िश फिश करके बोल रहा था अनबॉक्सिंग के टाइम पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं, तो इसलिए फ़िश कह दिया। एक्चुअली ये फ़िश नहीं है, इसको बस एक्सोलॉट्स कहते हैं। और ये फ्रॉग जो मेंढक्स होते हैं उसकी फैमिली से बिलोंग करती है, छिपकली की तरह ही होती है। और ये कोल्ड वाटर में ही सर्वाइव करती है, वार्म वाटर हो जाए या टेम्परेचर जब बढ़ जाए तो ये मर जाती है, इसलिए ठंडे पानी में रखना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। थोड़ा रॉक्स रख दो, रॉक्स रख के हाइडिंग प्लेस जो इस तरह के हो, हाइडिंग प्लेस जैसा कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, हाइडिंग प्लेस जो प्लास्टिक के आते हैं पाइप्स, वो 4-5 प्लास्टिक पाइप्स रख दो। 1.5 फीट टैंक काफ़ी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा ये स्विम भी नहीं करती है। और फिल्ट्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए अंदर वेव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लो ज़्यादा होगा तब भी स्ट्रेस हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रेस होने की मर जाती है, इसलिए ज़्यादा फ्लो होने की ज़रूरत नहीं है। वाटर तो नॉर्मली रखना है, और उसके साथ साथ थोड़े हाइडिंग प्लेस, थोड़े प्लास्टिक प्लांट्स, इस तरह भी चीज़ें रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सेटअप होता है, और बहुत ही अच्छी फिशेस होती है, और लाइफ भी इसकी ज़्यादा होती है अगर प्रॉपर केयर करें तो। तो 4 पैर होते हैं, बहुत ही अलग अजीब लगता है, फिशेस की तरह नहीं लगती है, हालांकि फ़िशेस है, एक्सोलॉट कहते हैं इसको एक्चुअली।
और इसको मैक्सिकन वॉकिंग फिश भी कहते हैं। बहुत हार्डी होते हैं और बिगिनर्स के लिए रिकमेंड नहीं है, क्योंकि इनका सेटअप जो है बहुत कॉस्टली होता है, फिशेज भी कॉस्टली होती है और मेंटेनेंस भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट नहीं है। और ये हफ्ते में एक दो बार भी फिट कर दे काफ़ी, हफ्ते में डेली टू टाइम्स की तरह फिट करने ज़रूरी नहीं है फिशेज़ की तरह, हफ्ते में एक से दो बार या तीन बार फिट कर दे काफ़ी है। फीडिंग में आप सिंकिंग पैलेट्स या रॉ चिकन की स्मॉल पीसेस, अर्थवाम, मिलवाम या सुपर मिलवाम भी दे सकते हो, और ये 15 साल तक भी जी लेती है अगर प्रॉपर के लिए। अभी मेरे पास आई है सयेश शाह चैनल पे, तो बहुत लोग कम रखते हैं इसको, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे एक्वेरियम्स में आई है यहाँ पर, तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, एक दो दिन मैं क्वारंटाइन में रख के फिर ये रिटर्न करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मेरे कज़िन के लिए मंगवाया जैसा मैंने कहा था, तो उनके लिए मैंने मंगवाया है। और तो और एक भी मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरह इसको केयर करते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, तो जो कुछ भी होगा मैं इसके अंदर डिटेल सारे बता दूंगा इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।